वेलकम टू डीडीएल लर्निंग, माय नेम इज मनीष वर्मा। अगला टॉपिक है जो हीरा है। हीरा को इंग्लिश में कहते हैं डायमंड कहा जाता है। हीरा है जो कार्बन के अंतर्गत आता है, ठीक है। वो कार्बन के किस अंतर्गत आता है, तो हीरा के तीन अपग्रुप होते हैं, एलोट्रोपी होते हैं। पहला हो गया आपका रवेदार, इसको क्रिस्टलीय कहते हैं। दूसरा हो गया बेरवेदार, इसको अक्रिस्टलीय कहते हैं। तीसरा हो गया फुलेरी। तो ये रवेदार के अंतर्गत आता है हीरा। तो यानी हीरा का जो पहला सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो विश्व का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, विश्व का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आपका हो गया हीरा, हो गया हीरा, हो गया, ठीक है। उसी तरह से क्या है, जो हीरा कितने प्रकार के होते हैं, तो हीरा चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे शुद्ध हीरा कौन सा होता है, सबसे शुद्ध हीरा कौन सा होता है, तो यानी क्या हो गया आपका कुलिनन। कुलिनन, ये कुलिनन व्यक्ति ने 1905 ईस्वी में यानी दक्षिण अफ्रीका में इसका क्या है जो खोज किया था, इसलिए उसी के नाम पर क्या है जो कुलिनन हीरा पड़ गया, ठीक है। और भारत में क्या है जो कोहिनूर हीरा है, जो ऐसा कहा जा सकता है कि कोहिनूर हीरा का उस समय दाम था, मतलब एक दिन में पूरे संसार को मतलब क्या है जो खाना खिलाने का खिला सकता था जनता का, उतना मतलब क्या है जो कोहिनूर हीरा का दाम था। उसी तरह से क्या है जो अगला क्वेश्चन क्या है, हीरा की शुद्धता किसे मापी जाती है, तो कैरेट से मापी जाती है, कैरेट से मापी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जो 1 कैरेट बराबर कितना ग्राम होता है, तो क्या हो गया 0.2 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है, तो 0.2 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, जो हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, 2.45 होता है। अपवर्तनांक का मतलब क्या, जो म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, म्यू कैसा हो गया, तो इस तरह से म्यू होता है। अब आता है हीरा की रचना है, बनावट स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो समचतुष्फलकीय होता है। यानी हीरा की रचना कैसा होता है, तो समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, जो हीरा किस चट्टान से प्राप्त होता है, तो किम्बरलाइट चट्टान से। हीरा किस चट्टान से प्राप्त होता है, तो किम्बरलाइट से प्राप्त, किम्बरलाइट चट्टान से प्राप्त होता है, चट्टान से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, जो काले हीरे को क्या कहा जाता है, बोट कहा जाता है, जिससे क्या जो कांच को काटा जाता है। काला हीरा को क्या कहा जाता है, बोट कहा जाता है, जिससे क्या जो कांच को काटा जा सकता है, ठीक है। तो काला हीरा को क्या कहा जाता है, बोट कहा जाता है, जिससे क्या जो कांच काटने में इसका यूज होता है। उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, जो ग्रेफाइट की रचना कैसा होता है, तो षष्ठफलकीय होता है। ग्रेफाइट की रचना कैसा होता है, तो षष्ठफलकीय होता है। ये षष्ठफलकीय, और ग्रेफाइट किसके अंतर्गत आता है, तो आपको रवेदार के अंतर्गत आता है। ग्रेफाइट किस सबसे बना है, ग्रेफाइन सबसे बना है। ये किसी भी एग्जाम के लिए सबसे मतलब क्या जो महत्वपूर्ण है।